गुड मॉर्निंग टू ऑल. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉकरोच. आज हम कॉकरोच के बारे में चर्चा करेंगे. कॉकरोच जिसे पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना भी कहा जाता है, ये इंडिया में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा प्रजाति है. इसकी वर्गीकृत स्थिति इस प्रकार है. इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इसमें जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं और काइटिन का कवच पाया जाता है. सब फाइलम मैंडिबुलेटा है, क्योंकि इसमें मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं. क्लास इसका इंसेक्ट है, क्योंकि इंसेक्ट लाइक क्रीचर है ये. सब क्लास इसकी टेरिगोटा है, जिसमें इसका मतलब है इसमें विंग्स पाए जाते हैं. ऑर्डर ऑर्थ्रोटेरा है, क्योंकि इसके जो विंग्स हैं वो स्ट्रेट होते हैं. जीनस पेरिप्लेनेटा और स्पीसीज अमेरिकाना, इसे सामान्यतया कॉकरोच कहते हैं. इसका स्वभाव और आवास इस प्रकार है. इसका कॉकरोच जो है वो अंधेरे और या गर्म और नम स्थानों में पाए जाते हैं. ये दिन में घरों में, रसोई घरों में, भंडार गृह में, शौचालयों में, बेकरी में, रेल के डिब्बे, गोदाम, इनमें के नीचे, इनकी चट्टान पत्थर के नीचे ये छुपे हुए रहते हैं. रात्रि में भोजन की तलाश में ये बाहर निकलते हैं और इधर उधर दौड़ते हुए, यानी कर्सोरियल एनिमल है ये, तेजी से दौड़ता है. ये सर्वाहारी जंतु होते हैं, अर्थात अपने भोजन के अंदर ये शैवाल, मांस, छोटे कीट, कचरा, घास सब कुछ खा लेते हैं. वो सबको अपना निवाला बना लेते हैं, इसलिए ये ओमनिवोरस प्राणी होते हैं. मई और जून के महीने में इनमें प्रजनन काल होता है. कॉकरोच में प्रजनन काल मई और जून, यानी जब गर्मी होती है तब इसमें प्रजनन होता है. बाह्य लक्षण की बात करें तो कॉकरोच का जो शरीर है वो लगभग 3 से लेकर 4.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है. नर और मादा कॉकरोच अलग अलग होते हैं. नर कॉकरोच कुछ छोटा होता है कंपेरेटिवली और अधिक पतला होता है. इसका शरीर स्पष्ट रूप से 3 भागों में डिवाइडेड रहता है. इसमें चित्र में दिखाया गया है. इसमें मेल जो है वो इसके अंदर 3 तो इसमें थोरेक्स में है और ये एब्डोमेन, थोरेक्स और एब्डोमेन में पाए जाने वाले ये खंड स्पष्ट दिखाई गए हैं. इसमें 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं. आगे की तरफ 1 जोड़ी एंटीना होता है. एंटीना के पीछे की तरफ कंपाउंड आईज होती हैं. कंपाउंड आईज के पीछे की तरफ एक ट्राइंगुलर प्रोटोनम या प्रोथोरेक्स के ऊपर कैरापेस नामक सर्च पाया जाता है, जो काइटिन का बना हुआ रहता है. ऊपर की इसमें प्रत्येक खंड में जो कवच होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि ऊपर की तरफ डोर्सल साइड से ढका रहता है और एक कवच नीचे की तरफ से ढका रहता है और दोनों कवच एक मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं. ऊपरी जो हिस्सा है उसको तो टर्गम कहते हैं, नीचे वाले को स्टर्नम कहते हैं और जहां पर ये जुड़ते हैं आपस में पार्श्वों में उसको आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं. आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा ये दोनों आपस में पार्श्व साइड से जुड़े हुए रहते हैं. वेंट्रल साइड में अगर देखें तो इसमें स्पष्ट खंड दिखाई देते हैं उधर खंड में भी, और इसमें 3 जोड़ी टांगे होती हैं, क्योंकि इंसेक्टा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है 3 जोड़ी टांगों का पाया जाना और ये इंसेक्टा का ही रिप्रेजेंटेटिव है. इसका सिर जो है वो त्रिभुज आकार होता है, नाशपाती के आकार का होता है. सक्रिय गर्दन होती है, वक्ष से समकोण पर जुड़ा रहता है. सिर ऐसे नहीं रहता, वो इस प्रकार से रहता है, यानी इसका पूरा शरीर ये है और इसका जो सिर है वो इस प्रकार से है, यानी शरीर से सिर की जो एंगल है वो लगभग समकोण पर रहता है. सिर पूर्णतया काइटिन के कवच कंकाल से ढका हुआ रहता है. इसके हेड कैप्सूल कहते हैं, हेड के ऊपर पाए जाने वाले कैप्सूल को हेड कैप्सूल कहते हैं. ये जो हेड है वो 6 भ्रूणीय खंडों के फ्यूजन से बनता है. इसके पृष्ठ में 2 गहरे काले वृक्काकार धब्बों के रूप में संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं. इसमें उपांगों की बात करें तो कॉकरोच के सिर पर 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं. इसमें 1 जोड़ी श्रृंगिका के अतिरिक्त 5 जोड़ी मुखांग होते हैं. इसमें लेब्रम जिसे अपर लिप कहते हैं, मैंडिबल जिसे जॉज कहते हैं, प्रथम मैक्सिला होता है और लेबियम होता है जिसे लोअर लिप के नाम से जाना जाता है, और एक हाइपोफेरिंग्स होता है जिसे जीभ भी कह सकते हैं. लेब्रम या अपर लिप काइटिन का बना हुआ चौड़ी आयताकार प्लेट के समान संरचना होती है. ये शीर्ष संपुट के क्लाइपियस से जुड़ी रहती है. इसके ऊपरी अपर लिप भी कहा जाता है. इसका स्वतंत्र सिरा कटा हुआ होता है और इसके अधर सतह पर स्वाद की जो सीटी है, गस्टेटरी सीटी की 2 पंक्तियां पाई जाती हैं. ये माउथ पार्ट्स हैं इसके, कॉकरोच के. इसमें वो सबसे ऊपर जो गोल है वो इसका सिर है और सिर के दोनों तरफ जो जालीनुमा संरचना वो कंपाउंड आईज है. उसके नीचे लेब्रम है और फिर उसके बाद नीचे हाइपोफेरिंग्स और सबसे नीचे है लेबियम जिसे निचला होठ भी कहते हैं, और दोनों साइडों में लगे हुए हैं मैक्सिला और मैक्सिला के ऊपर टच सेंसरी स्पिक्यूल भी लगे रहते हैं.
लेब्रम मुख गुहा का आगे का भाग बनाता है, लेब्रम भोजन को पकड़ने का काम करता है, मैंडिबल जो है उसके जबड़े कहलाते हैं, जॉज कहलाते हैं, और जॉज का काम जो है चबाने का होता है, भोजन को तोड़ने का होता है। तो ये कठोर उपांग होते हैं, काइटिन की बनी हुई संरचनाएं होती हैं, ये सीरेटेड होते हैं, दांतेदार होते हैं। लेब्रम पीछे की ओर स्थित होते हैं और ये इनके जबड़े कहलाते हैं, कट और क्रश करने का इनका काम है। मैक्सिला जो है वो सहायक जबड़े होते हैं, मैंडिबल के पीछे मुख की तरफ दोनों तरफ स्थित होते हैं। मैक्सिला कार्डो स्टापिस गालिया लासिनिया मैक्सिलरी पल्प से इनकी ये इसके टुकड़े हैं यानी हिस्से हैं एक मैक्सिला के, इस इतने टुकड़ों से मिलकर के बनता है। इसका कार्य है भोजन को पकड़ करके मैंडिबल के पास लाना और ताकि इसको चबाया जा सके। एंटीना और अग्रपादों को साफ करने का काम भी मैक्सिला करते हैं। इसके पल्प जो है वो टेक्टाइल ऑर्गन यानी स्पर्श संवेदी होते हैं, स्पर्श संवेदी होते हैं। उसके बाद लेवियम, लेवियम इसका निचला होंठ कहलाता है, ये मुख गुहा का अदर तल से घिरा हुआ रहता है, इसके सिर के पिछले हिस्से से जुड़ा हुआ रहता है। इस पर तीन संयुक्त संवेदी लेवियल पल्प पाए जाते हैं लेवियम पर। ये चबाए हुए भोजन को मुख गुहा को पीछे की तरफ धकेलने का काम करता है, भोजन को चबाते समय मैंडिबल से भोजन गिरने से रोकता है ये लेवियम, जिसे लोअर लिप भी कहा जाता है। हाइपोफेरिंग्स जिसको लिंगुआ या जीभ भी कह सकते हैं, ये बेलनाकार संरचना होती है, आगे की तरफ मैक्सिला के मध्य में स्थित होती है। इससे इस पर लार ग्रंथियां आकर के खुलती हैं, ये इस पर कंघी के समान दांतेदार प्लेट पाई जाती है जिसे सुपर लिंगुआ कहते हैं। हाइपोफेरिंग्स मुख गुहा के केंद्र में होती है और इसका कार्य है भोजन ग्रहण करके और पिसे हुए भोजन के साथ में लार को मिक्स करना, इसका कार्य होता है। जैसे हमारे शरीर में जीभ का कार्य होता है वैसे इसका होता है। उसके बाद वक्ष, इसका जो वक्ष है थोरेक्स है वो तीन भागों में डिवाइडेड रहता है, प्रोथोरेक्स मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। प्रत्येक खंड के ऊपर काइटिन का बना हुआ बाहिक कंकाल पाया जाता है। पृष्ठीय भाग को टर्गम कहते हैं और निचले भाग को स्टर्नम कहते हैं। दोनों पार्श्वों में इसकी जिस झिल्ली से जुड़े रहते हैं उसे ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। थोरेक्स ऑफ कॉकरोच को इस प्रकार से तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोथोरेक्स मीजोथोरेक्स मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स के अंदर दो टांगे पाई जाती हैं, यानी एक जोड़ी टांग दो टांगे और विंग्स नहीं पाए जाते। मीजोथोरेक्स में भी एक जोड़ी टांग होती है यानी दो टांग होती हैं लेकिन विंग्स होते हैं, उनको फोर विंग्स कहते हैं। मेटाथोरेक्स में एक जोड़ी टांग होती है यानी दो टांगे होती हैं और पंख भी होते हैं जिन्हें हिंड विंग्स कहते हैं। ध्यान रहे कि हाइंड विंग्स उड़ने का कार्य करती हैं जबकि फोर विंग्स हाइंड विंग्स को कवर करने का काम करती हैं, उड़ने में इनका कोई रोल नहीं होता। वक्षीय खंड में तीन जोड़ी टांग और दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं, पार्श्व में दो जोड़ी स्पाइरिकल श्वसन छिद्र भी पाए जाते हैं, ये और ये पारभासी लेदरी होते हैं। इनका कार्य होता है आगे के जो पंख होते हैं उनका कार्य होता है पिछले वाले पंखों को ढकने का, जो लेकिन ये उड़ने में सहायक नहीं होते। पंख पारदर्शी और झिल्लीनुमा होते हैं और ये उड़ने का, पीछे वाले पंख जो है उड़ने का काम करते हैं। उदर जो होता है वो 10 खंडों से मिलकर बना होता है, दोनों में ही नर और मादा दोनों में ही 10 खंड पाए जाते हैं। इसमें प्रथम जो 8 खंड हैं उनके पार्श्व में स्पाइरिकल पाए जाते हैं, लास्ट के 9वें और 10वें खंड में स्पाइरिकल नहीं होते। उस 10वें खंड में एनल सर्की और एनल स्टाइल होते हैं जबकि मादा में केवल एनल सर्की होते हैं, एनल स्टाइल नहीं होते। वक्ष की तुलना में उदर अधर पृष्ठ रूप से चपटा होता है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है। ये इसमें चित्र दिखाए गए हैं, पोस्टीरियर सेगमेंट दिखाया गया कॉकरोच का, नर और मादा। उसमें सबसे ऊपर मेल है जो डोर्सल व्यू में है, इसमें एनल स्टाइल और एनल सर्कस दोनों पाए जाते हैं 10वें खंड में। 6, 7, 8, 9, 10 ये जो खंड हैं वो इस प्रकार से इसका डोर्सल भाग डोर्सल व्यू में दिखता है, लेटरल व्यू में इस प्रकार से दिखता है 6, 7, 8, 9, 10 और ये एनल सर्कल और एनल स्टाइल स्पष्ट दिखते हैं ऊपर और नीचे। और इसके बाद में मेल में ये एनल स्टाइल भी दिखती है। फीमेल के अंदर 6, 7, 8, 9, 10 ये खंड दिखाए गए हैं, इसमें 10वें खंड में केवल एनल सर्कस पाए जाते हैं, एनल स्टाइल नहीं होती इसमें। देहवृत्ति की बात करें तो प्रॉन की जो देहवृत्ति है वो तीन स्तरों से मिलकर बनी होती है, सबसे ऊपर क्यूटिकल, उसके बीच में एपिडर्मिस और उसके बाद में डर्मिस। क्यूटिकल जो है पुनः दो स्तरों से मिलकर बनी होती है, बाह्य क्यूटिकल और आंतरिक क्यूटिकल। एपिडर्मिस में स्तंभी कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिकीय कला मोटी होती है, ये आधारी कला से स्तरित होती है और ये कोशिकाएं क्यूटिकल का श्रावण करती हैं। डर्मिस जो है उसको सबसे नीचे होती है और ये ढीले संयोजी स्तर ऊतक का बना होता है, इसमें ब्लड लैक्यूनी पाए जाते हैं।
पाचन तंत्र की बात करें तो कॉकरोच का पाचन तंत्र आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, डिवाइडेड किया जा सकता है उसमें दो भागों में। तो इसकी एलिमेंट्री केनाल जो है वो लंबी होती है, पूर्ण होती है और नलिकाकार संरचना होती है, आगे से पीछे तक फैली रहती है, पूरी मुंह से लेकर के अनस तक आगे से पश्च भाग तक फैली रहती है। इसकी आहार नाल को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं सुविधा की दृष्टि से, अग्रांत, मध्यांत और पश्चांत, यानी फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। इसमें एलिमेंट्री केनाल दिखाई गई है चित्र के अंदर। एलिमेंट्री केनाल इसमें एक मोटी और ये ऐसे दिखाई गई, यहाँ से मुख से लेकर के ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स में आकर के ये लार ग्रंथियां खुल रही हैं, और ओसोफेगस, ये पतली ओसोफेगस है, और आगे जाकर के ये क्रॉप में कन्वर्ट हो गया है। क्रॉप जो है लास्ट में गिजार्ड में खुलती है। गिजार्ड इसका मेस्टिक्यूटरी ऑर्गन होता है, पीसने का अंग होता है। इसके अंदर हेपेटिक सी का होते हैं जिनमें से एंजाइम आकर के इसमें मिलते हैं, और फिर इसके बाद में मिडगट होती है। मिडगट पीछे की तरफ चलती हुई, इस मिडगट के अंदर ही इलियम भाग में इस मेलपीगियन ट्यूब्यूल आकर के धागे के समान संरचनाएं होती हैं, बहुत सारी ट्यूब्यूल आकर के जुड़ती हैं, और वो ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी होती हैं, देह द्रव से एक्सक्रीटरी पदार्थों को इकट्ठा करके एलिमेंट्री केनाल में डालती हैं, और एनिमेल्टी केनाल के कोलोन से सीकम में इकट्ठा होता है, और वहां से समय समय पर एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसकी लार ग्रंथि जो है वो हाइपोफेरिंग्स से शुरू होकर के, और दोनों लार ग्रंथियां सीमेन कॉमन डक्ट के द्वारा खुलती हैं। दो लार ग्रंथियां होती हैं, इन लार ग्रंथियों में ये पत्ती के समान संरचना ये लार ग्रंथियां हैं, इनमें लार का निर्माण होता है, और ये निर्माण होकर के इसके अंदर ये रिजर्वोयर या रिसेप्टिकल रिजर्वोयर के अंदर इकट्ठे होता है लार, और समय समय पर वहां से कॉमन डक्ट के द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। अग्रांत या और हंडगट का स्तर जो है क्यूटिकल का बना हुआ होता है, एक्टोडर्म से बना हुआ होता है। मध्यांत्र भीतर से एंडोडर्म के द्वारा स्तरित होती है। अग्रांत में मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, क्रॉप और गिजार्ड पाए जाते हैं, गिजार्ड सम्मिलित होते हैं। इनका मुख अग्र सिरे पर एक दरार के रूप में होता है। मुख गुहा मुखांगों से घिरी हुई रहती है। मुख के सामने की तरफ लेब्रम पाया जाता है, और दोनों पार्श्वों में मैंडिबल, और पीछे की तरफ लेबियम पाया जाता है। ये ग्रसिका में खुलता है, उसे फेगस में जाकर के पीछे खुलता है। ग्रसिका एक लंबी बेलनाकार संरचना होती है जो क्रॉप में जाकर खुलती है। क्रॉप जिसे क्रॉप में जाकर खुलती है, ये गिजार्ड का चित्र है। गिजार्ड इसका मेस्टिक्यूटरी ऑर्गन होता है। गिजार्ड में चारों तरफ मसल लेयर पाई जाती है जिसमें शक्तिशाली मसल्स की सहायता से उस भोजन को ऐसे इस तरह से मेस्टिकेट किया जाता है, यानी बारीक पीसों में तोड़ा जाता है जिससे उसका पाचन आसान हो सके। गिजार्ड और पूरी एलिमेंट्री केनाल के अंदर की जो लेयर है वो इस तरह बलित होती है, वलयनुमा होती है, जिससे उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। क्रॉप जो होती है वो पतली फूली हुई संरचना होती है, इसमें कुछ समय के लिए भोजन को इकट्ठा किया जाता है, और इसकी दीवार लचीली और पेशी होती है, भोजन स्टोरेज का कार्य करती है। पेशणी जो होती है वो गिजार्ड होती है, जिसे प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं, और ये भोजन को चबाने का काम करती है, जैसा कि अभी बताया। मध्यांत्र में आमाशय और आंत्र सम्मिलित होते हैं, आमाशय में वेंट्रिकुलस भी कहते हैं आमाशय को। ये लंबा सकरा और समान मोटाई का सीधी नलिकाकार संरचना होती है। इसका अग्रभाग कार्डिया कहलाता है, जो मुख पथीय कपाट को घिरे हुए रहता है। इसके अग्र सिरे पर 8 लंबे अंडनाल निकले रहते हैं जिन्हें हेपेटेक्सिका कहते हैं। ये हेपेटेक्सिका एंजाइम का निर्माण करते हैं और उसमें उसके बाद में इसमें आंत्र में डालते हैं जिससे भोजन का पाचन होता है। इसके पश्च भाग में मेलपी की नलिकाएं निकली रहती हैं जो देह द्रव से अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करके और आंत में डालती हैं। पश्चांत्र की बात करें तो प्रोक्टोडियम इसमें सबसे छोटा भाग होता है। इसमें इलियम, कोलोन और मलाशय और गुदा द्वार सम्मिलित होते हैं। ये क्यूटिकल से आस्तरित होता है, गुदा के द्वारा बाहर की तरफ खुल जाता है। गुदा एक दरार के रूप में होती है। इसमें लार ग्रंथियों में कॉकरोच के वक्ष भाग में जो ग्रसनाल के दोनों तरफ एक एक लार ग्रंथियां, जैसा कि अभी चित्र में हमने देखा, द्विपालित अंगूर के गुच्छे के समान होती हैं, और कॉमन डक्ट रिजर्वोयर में लार का इकट्ठा होता है, और रिजर्वोयर के द्वारा ये हाइपोफेरिंक्स में लार को समय समय पर निकाला जाता है। जब भोजन चबाया जाता है तो उस समय लार निकलती है। भोजन, अगर भोजन की बात करें तो कॉकरोच एक सर्वाहारी जंतु है, जैसा कि हमने बताया। ये रोटी, कपड़ा, कागज, मांस, पुस्तक के टुकड़े, जिल्द, कीड़े मकोड़े, चमड़ा, सरेस आदि सभी को खा जाता है। यानी घास मिले तो घास को भी खाया जाता है, मांस मिले तो मांस को भी खाया जाता है। इस प्रकार से सर्वाहारी जंतु है। ये भोजन की तलाश में रात्रि में बाहर निकलता है और अपने भोजन को टुकड़ा करके जो है धीरे धीरे अपने कृषिका में भेजता रहता है। वहां से इसका पाचन होता है। पाचन मुख्य रूप से क्रॉप से ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें लार मिलाई जाती है, एपेटेक्सिका से एंजाइम रसा करके मिलते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फसा के पाचक एंजाइम होते हैं, जैसे अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज एंजाइम। ये क्रम से
इनको पचाते हैं। संपूर्ण आहार नाल में क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन आगे की तरफ बढ़ता रहता है, यहाँ से आगे मध्यांत्र में भेज दिया जाता है। यहाँ की कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं, पचित भोजन का अवशोषण करके हीमोलिम्फ में ही मिला देती हैं। शेष अपचित जो पदार्थ है वो मलाशय में एकत्रित होता है, जहां से समय समय पर बाहर निकल दिया जाता है। कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका रक्त रंगहीन होता है, देह में बहता रहता है और इसे हीमोलिम्फ कहा जाता है। इसकी देह गुहा को हीमोसील कहते हैं क्योंकि अंदर उसमें हीमोलिम्फ भरा रहता है। हीमोलिम्फ में श्वसन व्रण का अभाव होता है। ये कॉकरोच में हीमोसील तीन कोटरों में पेरिकार्डियल, पेरिविसरल और पेरिन्यूरल न्यूरल साइनस में बांटा गया है। पेरिकार्डियल साइनस के प्रश्न में हृदयों की श्रृंखला पाई जाती है, यानी ऊपर की तरफ हृदयों की श्रृंखला पाई जाती है। बहुत सारे हृदय एक पंक्ति में लगे रहते हैं जो देह वृत्ति से एलरी मसल्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। एलरी मसल्स प्रत्येक हृदय के अंदर पार्श्वों में अटैच है, इसमें चित्र में देखा जा सकता है। हार्ट एंड डोर्सल व्यू, डोर्सल ऊपर से देखने पर हार्ट इस प्रकार से दिखते हैं। बी चित्र में सर्कुलेशन है, कोर्स ऑफ सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सर्कुलेशन का रास्ता किस प्रकार से इसमें जाता है, किस प्रकार से बहता है। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष पाए जाते हैं, इनमें से 10 संयुक्त हो जाते हैं आपस में, इसके ओष्ठिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये बाल्ब रक्त को पीछे की तरफ नहीं जाने देते और तीन खंड में ये स्थित होते हैं। इनके रंगहीन रक्त में प्लाज्मोसाइट, हीमोसाइट और कोगुलोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका रक्त ऊतकों के सीधे संपर्क में रहता है। हृदय के कक्षों में एलरी पेशियों की सहायता से कर्माकुंचन होता है, इसमें रुधिर का परिसंचरण होता रहता है। इसकी पृष्ठमा धमनी में रुधिर पीछे की तरफ बहता है और खाद्य पदार्थों का संवहन करता रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, कॉकरोच के वक्ष और उदर में कुल 10 जोड़ी स्पायरिकल पाए जाते हैं, इसमें 2 जोड़ी वक्ष में और 8 जोड़ी उदर में होते हैं। इसमें शरीर में ट्रेकिया का जाल बिछा रहता है, इसमें 2 अधर और 2 पार्श्वीय ट्रेकियल ट्रंक होती हैं, जो अनुदैर्ध्य ट्रेकियों के द्वारा आपस में जुड़ी ही रहती हैं। ट्रेकिया के जोड़ने का एक जाल बनता है, इस जाल की सहायता से ही हीमोलिम्फ सीधे ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान करता है। ये कॉकरोच का ट्रेकियल सिस्टम है। इसमें ट्रेकियों का सघन जाल बिछा हुआ है पूरे शरीर में, सिर वक्ष और उदर में पूरे शरीर में ये इस प्रकार का जाल बिछा रहता है। इसमें दोनों साइडों में ये मेन ट्रेकियल ट्रंक हैं जो आपस में अन्य छोटी ट्रेकियों से जुड़ी रहती हैं और प्रत्येक ट्रेकिया बाहर स्पायरिकल के द्वारा बाहर होती है। उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो कॉकरोच का उत्सर्जन तंत्र हीमोलिम्फ में उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा को नियंत्रित करता है और जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। कॉकरोच मुख्य रूप से यूरिकोटेलिक प्राणी होता है, यानी अपने उत्सर्जी पदार्थ में इसका यूरिक अम्ल को बाहर निकलता है। और कॉकरोच का उत्सर्जन तंत्र में मेलपीगी नलिकाएं, फैट बॉडीज, यूरिकोज ग्लैंड्स, क्यूटिकल और नेफ्रोसाइट होते हैं। मेलपीगी नलिकाएं स्थलीय जंतुओं में देह द्रव्य में उत्सर्जी पदार्थों को हीमोलिम्फ में से इकट्ठा करने के लिए मेलपीगी नलिकाएं होती हैं। जंतु जगत में एकमात्र उत्सर्जी संरचना है जो पाचन तंत्र से जुड़ी हुई रहती है। मेलपीगी नलिकाएं एकमात्र ऐसी संरचना है जो पाचन तंत्र से उत्सर्जन तंत्र को जोड़ती हैं। बाकी किसी जंतु जगत में इस प्रकार का सिस्टम नहीं पाया जाता। ये मध्यांतर और पश्चात के संगम स्थल पर पाई जाती हैं। इनका एक सिरा बंद होता है, यानी ब्लाइंड सैक होते हैं ये, और दूसरा सिरा आंत्र में खुलता है। इनकी संख्या लगभग 60 से लेकर 150 तक होती है। प्रत्येक नलिका 20 से 26 मिलीमीटर लंबी होती है और 0.5 मिलीमीटर व्यास की होती है, चौड़ी होती है। इसकी आंतरिक सतह पर ब्रश बॉर्डर पाया जाता है, इसमें संकुचन होता रहता है, जिसमें भरा हुआ द्रव आगे की तरफ बढ़ता जाता है। ये एक मेलपीगी ट्यूब्यूल का टीएस है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, उसके नीचे पेरिटोनियल सीथ और उसके नीचे साइटोप्लाज्म का स्ट्रिएशन पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म ये विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियस हैं और सबसे अंदर की तरफ ल्यूमन है, जो ल्यूमन इसका भाग बनाती है स्पष्ट। वसाकाय, फैट बॉडीज, कॉकरोच में हीमोसील के अधिकांश भाग में सफेद रंग का वसाकाय पाई जाती हैं। इसमें विशेष प्रकार की यूरेट कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं जीवन पर्यंत यूरिक अम्ल का उत्पादन और संग्रहण करती हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को स्टोरेज एक्सक्रीशन कहा जाता है। यूरिकोज ग्लैंड, नर कॉकरोच में मशरूम ग्लैंड की परिधि पर लंबी लंबी यूरिकोज ग्लैंड पाई जाती है। ये यूरिक अम्ल का संचय करती है। मैथुन से पूर्व शुक्राणुधर पर यूरिक अम्ल का विसर्जन कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये ग्रंथियां मैथुन के समय सक्रिय उत्सर्जी अंगों की तरह कार्य करती हैं। क्यूटिकल,
क्यूटिकल भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसका, कॉकरोच का क्यूटिकल उत्सर्जन में भाग लेता है। क्यूटिकल नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ जमा हो जाते हैं, वो समय समय पर निर्मोचन के साथ में क्यूटिकल के साथ बाहर निकल जाते हैं। नेफ्रोसाइट होती हैं वो, ये इनके अतिरिक्त हृदय की वृत्ति से चिपकी हुई नेफ्रोसाइट होती हैं जो उत्सर्जन में भाग लेती हैं। हृदय की वृत्ति के साथ साथ श्रृंखलाबद्ध कोशिकाओं के रूप में ये व्यवस्थित होती हैं। इनमें ये हीमोलिम्फ के उत्सर्जी पदार्थों को पृथक करके और विघटित करती रहती हैं अंदर ही। इसके बाद इसके तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसका कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र भी बड़े एनिमल्स की तरह तीन भागों में डिवाइडेड रहता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और सब उस फिजियल गैंग्लियन और वेंट्रल नर्व कॉर्ड सम्मिलित होता है। अधर तंत्रिका तंत्र तंत्र का रज्जू जो है वो अधर तल पर पूरी लंबाई में एलिमेंट्री कैनाल के नीचे 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 फैला रहता है और आगे की तरफ उस फेगस से लेकर के लास्ट खंड तक रहता है। नर्वस सिस्टम में इस प्रकार से स्थित है गया है, प्रत्येक खंड में ये गैंग्लियन बनाते हैं। इसके वक्ष में तीन गैंग्लियन होते हैं और उधर में छह गैंग्लियन होते हैं, इस प्रकार से नौ गैंग्लियन, और एक सिर में होता है जो उस फेगस के चारों तरफ एक रिंग बना करके उसके ऊपर ब्रेन बनाता है। इस सुप्रा उसोफिजियल गैंग्लियन का जोड़ा होता है जो उसको ब्रेन भी कहते हैं इसका, और ब्रेन में से आगे की तरफ एंटीना में, माउथ पार्ट्स में और आईज में ऑप्टिक नर्व और इनके उपांगों में निकलने वाली नर्व निकलती है। कॉकरोच का मस्तिष्क द्विपाली संरचना होती है, ये सिर में ग्रसिका के पृष्ठभाग में स्थित होता है, इसलिए इसको उसोफिजियल गैंग्लियन भी कहा जाता है। ये तीन भागों में डिवाइडेड रहता है, प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटोसेरिब्रम और ट्राइटोसेरिब्रम। अधोग्रसनी गुच्छक यानी कि ग्रसनी के नीचे पाया जाने वाला जो गैंग्लियन है वो ये ग्रसनी ग्रसिका के यानी उसोफेगस के नीचे होता है और दोनों पार्श्वों से सरकम उसोफिजियल कनेक्टिव से मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। अधोग्रसनी जो गुच्छक है वो पीछे की तरफ लंबी गैंग्लिया युक्त दोहरी वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़े होते हैं। इनकी वेंट्रल नर्व कॉर्ड दोहरी होती है, दोहरी मतलब दो धागे के समान संरचना चलती हैं और बीच बीच में गैंग्लियन पर जो गैंग्लियन है उन पर ये जुड़ जाती हैं, फिर उसके बाद अलग हो जाती हैं, फिर अगले गैंग्लियन पर जुड़ जाती हैं, फिर अलग हो जाती हैं, इस प्रकार से चलती हैं। इसमें वक्ष में तीन और उदर में छह गैंग्लियन पाए जाते हैं, कुल नौ गैंग्लियन होते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में इसमें निकलने वाली इनसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली सभी तंत्रिकाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। प्रोटोसेरिब्रम से दो ऑप्टिक नर्व निकल करके नेत्रों में जाती हैं, ड्यूट्रोसेरिब्रम से निकल करके एंटीनरी नर्व निकलती हैं जो एंटीना में जाती हैं। इसी प्रकार से जो सब उसोफेजियल गैंग्लियन है उससे तीन जोड़ी तंत्रिका निकल करके मैंडिबल, मैक्सिला और लेबियम में जाती हैं। वक्षीय जो गुच्छक हैं उनसे तीन तीन तंत्रिकाएं साइडों में निकलती हैं और जो भित्ति में जाकर के श्वसन रंध्रों तक जाती हैं। इस प्रकार उदरीय गुच्छकों की तीन तीन तंत्रिकाएं पार्श्वों में निकल करके खंड की भित्ति, मांसपेशी, टांग और श्वसन रंध्रों में जाती हैं। अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसमें तंत्रिका तंत्र के साथ साथ अंतःस्रावी तंत्र भी सम्मिलित होता है। इसमें मुख्य रूप से दो भागों में इसको डिवाइडेड रहता है, एक तो मुख का जठरीय तंत्र और रेट्रो सेरेब्रल कॉम्प्लेक्स। मुख जठरीय तंत्रिका तंत्र में प्रमुख रूप से चार तंत्रिका गुच्छ होते हैं, फ्रंटल गैंग्लियन, हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन, विसरल गैंग्लियन और प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन। रेट्रोसेरेब्रल कॉम्प्लेक्स में कार्पोरा कार्ड्रिएका और कार्पोरा एलेटा से मिलकर के बनता है। ये न्यूरोसिक्रेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। इनसे जुवेनाइल हार्मोन ये जेएच स्रावित होता है जो बच्चों की वृद्धि और विकास को, विभेदन को नियंत्रित करता है। संवेदी अंगों की बात करें तो कॉकरोच के अंदर संवेदी अंग जो है वो नेत्र होते हैं, स्पर्श ग्राही होते हैं और श्रवण ग्राही संवेदी अंग होते हैं, प्रोप्रियो रिसेप्टर होते हैं, संतुलन पुटिका पाई जाती है। संयुक्त नेत्र एक जोड़ी होते हैं कॉकरोच में, ये सिर के दोनों तरफ खांचों में स्थित होते हैं। प्रत्येक नेत्र में ओमिटीडिया नामक इकाइयों से हजारों की संख्या में ओमिटीडिया पाए जाते हैं, उन इकाइयों से मिलकर के बनते हैं। सभी इकाइयां संयुक्त रूप से संयुक्त होकर के और पारदर्शी काइटिनी आवरण से ढकी हुई रहती हैं, इस आवरण को कॉर्निया कहा जाता है। प्रत्येक नेत्र में 2000 स्वतंत्र इकाइयां या ओमिटीडिया होती हैं। ये वस्तु का छोटा सा ही प्रतिबिंब बनाती हैं। इस तरह सभी ओमिटीडिया मिलकर के एक संयुक्त चित्र बनाते हैं जिससे उसको विजन का एहसास होता है। इस विजन को मोज़ेक विजन कहते हैं, मोज़ेक दृष्टि कहते हैं। तीव्र प्रकाश में एपोजिशन इमेज होती है, मंद प्रकाश में सुपरपोजिशन इमेज बनती है इनमें। दिन में तीव्र प्रकाश के दौरान वरण कोशिकाएं इस प्रकार से स्रावित होती हैं। ये पड़ोस की ओमिटीडिया का एक दूसरे के वर्णक आवरण के द्वारा पृथक होते हैं, पिगमेंट शीट द्वारा अलग अलग होते हैं प्रत्येक। इससे प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न कोणों पर कॉर्निया पर गिरती हैं
और वे वर्णक कोशिकाओं के पर्दे पर अवशोषित हो जाते हैं, पर्दे पर उसका चित्र बनता है, इससे वे प्रतिबिंब बनाने में सफल होती हैं और ये कॉर्निया के एकदम सिर में होती हैं और ऑप्टिक नर्व के द्वारा इसकी सूचना मस्तिष्क में पहुंच जाती है। कॉकरोच का नेत्र कई ओमिटिडिया से मिलकर बना होता है। नेत्रक जो है वो वस्तु के छोटे से भाग का प्रतिबिंब बनाते हैं। इस प्रकार जितने नेत्रक मिलकर बनते हैं उतने ही टुकड़े प्रतिबिंब के बनते हैं। ये प्रतिबिंब फर्श की जुड़ी हुई टाइल के समान दिखाई देते हैं। इस प्रकार के विजन को मोजाइक विजन कहते हैं। संयुक्त नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति प्रकाश की तीव्रता के साथ बदलती है। तीव्र प्रकाश में बनने वाला प्रतिबिंब एपोजिशन इमेज कहलाता है और मंद प्रकाश का सुपरपोजिशन इमेज कहलाता है। लास्ट में इसका प्रजनन तंत्र। कॉकरोच एकलिंगी प्राणी होता है, यानी इसके नर और मादा अलग अलग होते हैं। इसमें लैंगिक विभेद भी पाया जाता है। नर कॉकरोच का शरीर छोटा और चपटा होता है, जबकि मादा का शरीर बड़ा और मोटा होता है। नर कॉकरोच के उदर खंड में 9 खंड स्पष्ट दिखाई देते हैं, जबकि मादा के शरीर में 7 खंड स्पष्ट दिखाई देते हैं। नर कॉकरोच का उदर नुकीला होता है, सातवीं स्टर्नम अविभाजित होती है, जबकि मादा कॉकरोच का उदर पश्च भाग में चौड़ा होता है और सातवीं स्टर्नम विभाजित दो भागों में विभाजित होती है। नर कॉकरोच के 9वें खंड में स्टर्नम से जुड़ी हुई दो एनल स्टाइल पाई जाती हैं, जबकि मादा कॉकरोच में ये नहीं होती। नर कॉकरोच के पंख बड़े होते हैं, मादा कॉकरोच के पंख छोटे होते हैं। नरजनन तंत्र में इसमें 6 भाग होते हैं, टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूट्रिकुलर डक्ट, फेलिक डक्ट और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इस क्षेत्र में दिखाया गया है, इसमें मशरूम ग्लैंड का पाया जाना ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मशरूम ग्लैंड जो है वो मशरूम की तरह दिखती है। इसमें यूट्रिकुलाई होते हैं, मेजर यूट्रिकुलाई और माइनर यूट्रिकुलाई से मिलकर के गुच्छा नुमा संरचना बनती है और उस गुच्छे में एक ग्लू नामक ग्लू जैसा चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जो उनको स्पर्म को बांधने का रोकने का कोशिश करता है, रोकने का कार्य करता है। टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म बनते हैं और वो स्पर्म वासा डिफरेंसिया के द्वारा इसमें मशरूम ग्लैंड के पास में आकर के और इसमें सेमिनल वेसिकल में इकट्ठे होते हैं। वहीं मशरूम ग्लैंड से सीक्रेशन जाकर के स्रावित होता है और उन उनको आपस में चिपका देता है और फिर मेल जेनेटल पोर के द्वारा ये समय समय पर बाहर निकाल दिए जाते हैं। इनका लेटरल व्यू अगर देखें तो इसमें मशरूम ग्लैंड और इसके मशरूम ग्लैंड के नीचे एक कॉन्ग्लोवेट ग्लैंड भी पाई जाती है, उससे भी एक रस स्रावित होता है जो स्पर्म को इजी पाथ बनाता है उनका। टेस्टिस में से निकलने के बाद में वासा डिफरेंसिया और ये स्पर्म आते हैं और इसको मशरूम ग्लैंड को क्रॉस करते हुए इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा जेनिटल पाउच में आते हैं, जेनिटल पाउच से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वृषण 4थे खंड से लेकर के और 6ठे खंड तक फैले हुए रहते हैं। ये वृषण कायों में धसे हुए रहते हैं। ये 3 पालियों से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक पाली में जनन उपकला के द्वारा आस्तरित जनन शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। इनमें शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। वासा डिफरेंसिया, प्रत्येक वृषण से एक महीन नलिका निकलती है एस आकृति की। ये मुड़ करके 8वें खंड में इजैकुलेटरी डक्ट में जाकर खुलती है। इजैकुलेटरी डक्ट लंबी होती है, संकुचनशील होती है, पीछे की तरफ जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। इसमें आगे की ओर 2 कोश पाए जाते हैं जहां पर शुक्राणुओं का अस्थायी स्टोरेज होता है। इसके बाद मशरूम ग्लैंड, शुक्र वाहिनी और स्कलन वाहिनी के संगम स्थल पर एक सफेद रंग की सहायक ग्रंथि होती है। ये छोटी छोटी ग्रंथियों से मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी नलिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसे मशरूम ग्लैंड या छत्र ग्रंथि कहते हैं। इसमें 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, ये छोटे आकार की यूट्रिलाई ब्रेवियोर्स और यूट्रिगलाई मेजर्स बड़ी ग्रंथियां होती हैं। परिधीय और केंद्रीय मिलकर के यूट्रिलाई मेजर कहते हैं। ये शुक्राणुओं के पोषक पदार्थों का श्रवण करती हैं, पोषण में सहायक होती हैं। फेलिक ग्लैंड या कॉग्लोवेट ग्लैंड जो होती हैं वो लंबी मुग्धाकार सहायक ग्रंथियां होती हैं। इसका अग्र चौड़ा सिरा तंत्रिका रज्जु के दाईं तरफ 6ठे खंड में पड़ा रहता है। इसका पश्च सिरा एक नलिका के द्वारा जनन छिद्र के पास खुलता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, शरीर के पिछले सिरे पर नर जनन छिद्र पाया जाता है जो काइटिन के बनी हुई 3 संरचनाओं से घिरा रहता है। इसे गोनेकोफाइसिस या फेलोमियर्स कहा जाता है। इसमें से दाईं तरफ 1, बाईं तरफ और अदर तल पर 1 पाई जाती है। मादा जनन तंत्र की बात करें तो मादा जनन तंत्र में ये अंडाशय, ओविडक्ट, वेजाइना, जेनिटल एट्रियम, कोलेट्रल ग्लैंड्स, सेमिनल रिसेप्टाकल और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पाया जाता है। चित्र में इसमें ये लंबे लंबे गुच्छे की समान संरचना, ये टर्मिनल फिलामेंट है ओवरी के और ये ओवरी के ओवरी जो है इस प्रकार से गुच्छों के रूप में पाई जाती है और इनसे निकलने वाली ओविडक्ट बीच में यूटरस के द्वारा बाहर निकल यूटरस और यूटरस के बाद में ये वेस्टिबुलम के द्वारा जेनिटल चेंबर में बाहर खुलती है।
इसके बाद ओवरी मादा कॉकरोच में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, वो चौथे से सातवें खंड तक फैले रहते हैं। ये सफेद रंग के वसाकाय में धसे हुए रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय में 8 ओवरियोल्स मिलकर के बनता है। प्रत्येक ओवरियोल का पिछला हिस्सा जर्मेरियम कहलाता है। इसमें पंक्तिबद्ध रूप से विकसित अंडाणु पाए जाते हैं। अंडाशय का पिछला फूला हुआ भाग विटेलेरियम कहलाता है। इसमें चेन के रूप में अंडाणु विकसित और परिपक्व होते रहते हैं। मादा अंडवाहिनी, मादा कॉकरोच के सभी अंडाशय पीछे की तरफ एक चौड़ी अंडवाहिनी में खुलते हैं और इसमें की दीवार मोटी होती है, पेशी होती है और मांसल होती है। म्योनी, मादा कॉकरोच के दोनों तरफ अंडवाहिनियां मिलकर के एक वजाइना का निर्माण करती हैं। ये सातवें खंड के मध्य रेखा पर पाई जाती है। आठवें खंड की अधर सतह पर ये स्थित मादा जनन छत्र के द्वारा खुलती है। जनन वेश्म सातवें खंड के स्टर्नम पर से बनता है। ये चौड़ी नौकाकार पीछे की तरफ होकर के दो अंडाकार प्लेटों में बटी रहती है। इन्हें गायनोवल्वुलर प्लेट भी कहा जाता है। मादा कॉकरोच में 8 तथा 9 खंड में एक जनन वेश्म पाया जाता है, जो दो भागों में बटा रहता है। जनन वेश्म और उथिका भागों में डिवाइडेड रहता है। कोलेट्रल ग्लैंड जो होती हैं, वो अत्यंत शाखित संग्राहक ग्रंथियां हैं। ये अलग अलग छिद्रों के द्वारा जनन वेश्म में खुलती हैं। ये सहायक ग्रंथियां हैं और ये भिन्न भिन्न स्रावों का श्रावण करती हैं। शुक्राणुग्राही, एक जोड़ी छोटी थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं। ये दो भागों से मिलकर बनी होती हैं, एक बड़ा मुग्धाकार दूसरा छोटा नलिकाकार होता है। दोनों शुक्राणुग्राही मिलकर के जनन वेश में स्थित शुक्र ग्राहक में आकर के खुलते हैं। इसमें मैथुन के समय नर से प्राप्त शुक्राणुओं का संचय किया जाता है। बाह्य जननांग, जनन वेश में काइटिन से बने हुए 3 जोड़ी प्रवर्त पाए जाते हैं। इसमें ओवोपोजिटर कहते हैं इसे। ये नवनिर्मित अंडाणुओं का निर्माण अंड कवचों में जमाते हैं। ये अंड कवच वेश्म की छत से इसकी गुहा में लटके रहते हैं। मैथुन, कॉकरोच का प्रजनन काल मार्च से लेकर के सितंबर तक होता है और इसी समय मादा कॉकरोच नर कॉकरोच को मैथुन हेतु आकर्षित करता है। पीले रंग फेरोमोन निकालती है, फेरोमोन इसका आकर्षण का काम करता है। इसकी गंध से नर कॉकरोच अपनी पंखों को पड़पड़ा करके आगे की तरफ इससे कोर्टशिप यानी प्रणय निवेदन करता है। नर कॉकरोच मादा के नीचे जाकर के टिटिलेटर के जनन वेश्म को खोल देता है और अपने स्यूडोपेनिस के द्वारा इसके जनन वेश्म घुसा करके मादा के नीचे इस तरह घूम जाता है कि दोनों कॉकरोच के पश्च सिरे आपस में जुड़ जाते हैं। मैथुन की क्रिया रात्रि के समय ही होती है। ये क्रिया 1 घंटे या इससे भी अधिक समय में पूरी होती है। ये इसकी लाइफ हिस्ट्री है। 2 कॉकरोच मेल और फीमेल इस प्रकार से इसमें ये हैं। और उसके बाद में जब मैथुन के बाद में इनमें से जो डेवलपिंग विंग पैड है ये निम्फ निकलते हैं और ये उथिका है। उथिका में से ये रेज्ड एरिया है, ये उथिका किसी भाग से चिपके हुए रहते हैं। इनमें से छोटे बच्चे निकलते हैं और ये इनमें एमेटाबोलस प्रकार का कायंत्रण पाया जाता है, यानी इनमें निकलने अंडों से निकलने वाले जो बच्चे हैं वो ठीक वयस्कों के समान होते हैं। इस प्रकार से इनका ये जीवन चक्र होता है। मैथुन के समय मादा के शुक्राणु दर में शुक्राणु भर जाते हैं। इनसे मादा के शुक्राणु का निषेचन जनन प्रकोष्ठ में होता है। संग्रह ग्रंथियों से अंड कवच का निर्माण हो जाता है। इसके बाद ये कवच युक्त अंडाणु निक्षेपक की सहायता से अंधेरे स्थानों पर दे दिए जाते हैं। कॉकरोच के अंडे सेंट्रलोसिथल होते हैं, यानी इनका पृथक केंद्र में होता है। इनमें विदलन के फलस्वरूप 5 से 13 सप्ताह में ब्लास्टुला और ब्लास्टुला से फिर गैस्टुला, गैस्टुला से निम्फ बन जाते हैं। निम्फ वयस्क के समान ही होते हैं। ये छोटे होते हैं, कोमल होते हैं, पारदर्शी होते हैं और हल्के रंग के पंख विहीन प्राणी होते हैं। निम्फ तेजी से पोषण करके आकार में वृद्धि करते हैं और कुछ समय बाद अपने कंकाल को छोड़ करके निर्मोचन यानी 6 या 7 बार निर्मोचन करके निम्फ से फिर निम्फ इस प्रकार से बनते जाते हैं और निर्मोचन करते हुए फिर बाद में वयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं। इस निर्मोचन की प्रक्रिया के दौरान प्रोथोरेसिक ग्लैंड से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे एक्डायोसोन कहते हैं। एक्डायोसोन हार्मोन के नियंत्रण में ही ये निर्मोचन की प्रक्रिया होती है। कॉकरोच में पाए जाने वाले इस प्रकार के परिवर्तन को जिसमें ये निम्फ अंडे से निम्फ बनता है, निम्फ से फिर एडल्ट बनता है, उसे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या हेमी मेटाबोलस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ये कॉकरोच के बारे में था। थैंक यू वेरी मच।